नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। झाबुआ के पेटलावद महाकाल है, दूर जाना है जरूर। बोल बम का नारा है, महाकाल जाना है। हर हर बम बम के इन नारों से गुंजायमान हो उठा पेटलावद। कावड़ यात्रा लेकर चल रहे नौजवानों में काफी उत्साह के साथ दो दो की लाइन से चल रहे थे। पंच दिवसीय 25वीं पैदल कांवड़ यात्रा निकली महाकाल के जयकारों के साथ। नगर में भारतीय पत्रकार संघ ने किया स्वागत और सम्मान। पेटलावद बोल बम बम के नारों से नगर गुंजायमान हो उठा, जब हाथ में कावड़ लेकर मन में श्रद्धा और मुंह पर उत्साह के साथ भगवान भोलेनाथ के जयकारों के साथ कांवड़ यात्रियों ने नगर में प्रवेश किया। बोल बम कांवड़ यात्रा संघ के द्वारा लगातार 25वें वर्ष अनंत खेड़ी पेटलावद से उज्जैन महाकालेश्वर की पैदल पंच दिवसीय कांवड़ यात्रा का आयोजन किया, जो कि 5 दिन में 120 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर 7 अगस्त को उज्जैन पहुंचकर भगवान महाकालेश्वर का जलाभिषेक करेंगे। कांवड़ यात्रा आज दिनांक 3 अगस्त को ग्राम अनंत खेड़ी में पंपावती नदी से जल भर कर निकली, जहां पर कांवड़ यात्रा में सम्मिलित सभी 250 से अधिक कांवड़ियों ने भगवान की पूजा अर्चना की, जिसके पश्चात आरती कर यात्रा को प्रारंभ किया गया। यात्रा के प्रारंभ होते ही ग्रामीणों ने यात्रा मार्ग पर आगे चलते हुए कांवड़ यात्रियों पर फूलों की वर्षा की और उनके आगे नाचते गाते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। 51 लीटर जल लेकर चले यात्रा में। कांवड़ यात्रा में वार्ड नंबर 2 से पार्षद मुकेश परियार के द्वारा 51 लीटर जल भरकर कांवड़ यात्रा में चला जा रहा है, जो कि सभी के लिए श्रद्धा का केंद्र रहे। उन्होंने अनंत खेड़ी से पेटलावद तक 51 लीटर जल से भरे पानी के कलश को कांवड़ के रूप में उठा रखा है, जो कि नगर में नीलकंठेश्वर का जलाभिषेक किया। भारतीय पत्रकार संघ ने किया सम्मान। लगातार 25 वर्ष से कांवड़ यात्रा का आयोजन कर उसका संचालन करने वाले पंडित नरेंद्र नंदन दवे का सम्मान और स्वागत भारतीय पत्रकार संघ के द्वारा किया गया। भारतीय पत्रकार संघ के द्वारा पंडित दवे को अभिनंदन पत्र भेंट कर साफा बांध व शाल श्रीफल देकर सम्मानित किया और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। इस अवसर पर भारतीय पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष हरीश राठौड़, तहसील अध्यक्ष प्रकाश परियार, मुकेश सिसोदिया, नगर अध्यक्ष चंद्रशेखर राठौड़, तहसील उपाध्यक्ष मोहन परमार, वीरेंद्र भट्ट, नरेंद्र परमार, अर्जुन ठाकुर, पीयूष राठौड़ सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। पेटलावद में हुआ स्वागत। कांवड़ यात्रा का प्रवेश जैसे ही पेटलावद नगर में हुआ, यहां पर भी कांवड़ यात्रा का स्वागत पूर्ण उत्साह के साथ किया गया। नगर में प्रवेश होते ही राम मोहल्ला में नागरिकों ने कांवड़ यात्रा का स्वागत किया और उसमें सम्मिलित होकर कांवड़ यात्रा के साथ नगर में भ्रमण किया, जो कि मुख्य मार्गों से होते हुए बस स्टैंड की ओर पहुंची, जहां संस्थाओं, समाजों और संगठनों एवं कमला बुआ ने नोट एवं पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। प्रथम पड़ाव माही नदी पर यात्रा संचालक पंडित नरेंद्र नंदन दवे सबसे आगे खुली जीप में बैठकर चल रहे थे। वे सभी का अभिवादन कर स्वागत कर रहे थे। उनके पीछे ढोल धमाकों के साथ मुख्य कांवड़ हाथ में लिए पंडित पंकज दवे और सभी कांवड़ यात्री चल रहे थे। पेटलावद से निकलने के बाद करदावद, सारंगी व अन्य ग्रामों में भी कांवड़ यात्रा का स्वागत किया गया। पैदल कांवड़ यात्रा प्रथम दिन लगभग 25 किलोमीटर की सफर तय कर माही नदी के तट पर खाखरोडा में रात्रि विश्राम किया, जहां पर सभी भक्तों ने भजन कीर्तन करते हुए यात्रा का आनंद लिया। व्यवस्था स्वतः बनती है। कांवड़ यात्रा में सहयोग करने वाले सहयोगियों का मानना है कि लगातार 25 वर्षाएं से हो रहे इस आयोजन में भगवान महाकाल की विशेष कृपा रहती है। आयोजन की सभी व्यवस्थाएं स्वतः ही बनती जाती है, जिसका आनंद हर कोई लेता है। यात्रा 5 दिन में 5 पड़ाव के बाद महाकालेश्वर पहुँचेगी। झाबुआ से जिला संवाददाता प्रकाश परियार की रिपोर्ट।